सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यानी स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर पर सीबीआई की जांच जारी रहेगी, जिसके बाद अब राकेश अस्थाना पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ भी जांच जारी रहेगी। देवेंद्र कुमार ने भी अपने खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की हाईकोर्ट से अपील की थी। राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने हैदराबाद के व्यापारी सतीश बाबू सना को राहत देने के लिए रिश्वत ली थी। इस मामले पर दोनों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। यहां तक कि डीएसपी देवेंद्र कुमार को इस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था। बाद में निचली अदालत से डीएसपी देवेंद्र कुमार को जमानत मिल गई थी। राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट से अपील की थी। बीते 20 दिसंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब कोर्ट से दोनों को झटका मिला है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।